जिन्ना साढ़े कोल हो सकता जगह है, पानी है, बिजली, मोटर, जो असी असी कौन है करने वाले परमात्मा ही हैं, असी निमित मात्री हैं, ते सब वास्ते बुआ खुलिया है सवेर दा। किसान भी आते ने कई आके, मोर्चा पूरा होने के बाद भी कई बार मिलन आते हैं बाबा जी ने कि असी लंघ रहे सी, सोचा मिलना जाइए, तो यह प्रेम है, स्नेह है। मॉर्निंग दे आए हुए हैं ते लेडीज़ नूं जे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हैगी जिदा वॉशरूम जाना या कोई होर इदा तो यह मंदिर वाले है वधिया सपोर्ट कर रहे हैं। असी बंदी सिखां दी रिहाई वास्ते आए हैं, जो जिन्ना चिर भी मोर्चा चलेगा उन्ना चिर असी डटे रहेंगे। कोई धर्म नहीं देखते दे, असी कोई भेदभाव नहीं है, कोई किसी तरह का कि स्त्री है पुरुष है या की है, बच्चे ने बुढ़े ने, कोई भी आंदा है, बस असी है कि वो आए महात्मा जी है, थोड़ा जहा पानी चाहिए पीना, चले जाओ टॉयलेट यूज कर लिए कर लो, बह जाइए इतने बह जाइए, थोड़ी देर लेट ना लेट जाओ, तो असी बस अपनी तरफों जो हो सकता है, जिनी साड़ी क्षमता है शक्ति है, असी उन्ना उन्होंने सहयोग करते हैं। बहुत वधिया सहूलत है जी मंदिर का। हाँ, यहाँ फायदा हो गया सू सू जानी पहली बार यू कहें भी कि दूर जाने की लड़ नहीं, थोनों तुम मंदिर च जाओ, उ सहूलत बनी हुई है, उओ। कौमी इंसाफ मोर्चा की वक् वक् तस्वीर असं तुम्हें दिखा रहे हैं और एक पॉजिटिव तस्वीर जो सानू नज़र आई है, एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर इतने सानू धार्मिक सांझ की भी नज़र आ रही है। सब जानते हैं कि जिहड़ा एरिया इस वेले तंबू लगे ने, जिस एरिया इस वेले प्रोटेस्टर्स बैठे ने, वो एरिया गीता भवन मंदिर के बिल्कुल सामने वाला एरिया और आस पास कुछ नहीं है इस एरिया दे विच। और जाहिर जी गल है कि इतने वड्डी तादाद विच जिहड़ी बीबियां ने वह भी आंदियां ने इस मुजारे दे विच अपनी शामूलियत करन, जिहड़े बुजुर्ग ने भी आ रहे ने, बच्चे भी आ रहे ने। ऐजे दे विच जो ये मंदिर है गीता भवन मंदिर, काफ़ी पुराना मंदिर है, ये काम आ रहा है उन्होंने, किसी ने नाना धोना है जो पक्के मोर्चे ला के बैठे हैं उन्होंने बहुत हैल्प कर रहा है और मंदिर के दरवाजे खुले ने हर किसी के लिए, जिसने नहाना है या किसी के वॉशरूम जाना है, किसी ने बीबिया ने, सो उन्होंने बहुत हैल्प कर रहा है ये मंदिर। और खास गल इस मंदिर की यह है कि जेडे इतों के प्रबंधक ने उन्हों का कहना है कि मंदिर बहुत पुराना और पहला भी इन्हों के मंदिर वालों बहुत पंजाबियों सिखां होर भी धर्मां हैल्प की गई है। मेरे नाल ने महात्मा सुबोध मनी थोड़ा स्वागत है। और महात्मा जी, जिमें मैं हमने गल की है कि बहुत हेल्प हो रही है क्योंकि इदा की जगह पर मुजारा लग्या होया है जिथे कुछ नहीं है आस पास, सो ये मंदिर के दरवाजे खुले ने, थोड़ा की मैसेज है? सब देखने वाले दर्शकों जय श्री कृष्ण। ए मंदिर साढ़े वे गुरु जी कैवल्यवासी परम पूजनीय श्री परिमल वाले बाबा जी ने ही निर्माण किया, एदा संस्थापक भी वही ने और संचालक भी वही रहे ने सन 2021 तक। अभी पिछले साल बाबा जी नू देवास हो गया है, ते असी यही कोशिश की है कि अपने परम पूज्य श्री गुरु जी दे आज्ञा, उन्हां दे वचन, उन्हां दे संस्कार दे उत्ते चलीए। ते साडे बाबा जी ने अपने समय सन 1978-80 च इत्थे आए सी जद इत्थे सारा खेत होंदा सी, ते ऐ आश्रम निर्माण किया, ते पूरे भारत दे विच प्रकाशन दे थ्रू धर्म प्रचार किया, सभा विच जाके धर्म प्रचार किया। ते इत्थे आस पास नेड़े आए दिन चंडीगढ़ पंजाब दा बॉर्डर पैंदा है, ते आए दिन कोई ना कोई रैली, कोई ना कोई मोर्चा, कोई ना कोई आंदे रहिंदे ने, पुलिस वाले, कदी आर्मी वाले, कदी किसान, कदी टीचर, ते धार्मिक संस्था है, आश्रम है, ते परमात्मा दा घर है, गुरुआं दा घर है, ते साड़ी तरफों इस तरह का कोई किसी नू रोक टोक नहीं की गई कदी भी, जब तो ये आश्रम बनया साढ़े गुरु जी की तरफों नहीं की गई, असी तो बहुत बाद चाहे हैं। ते पिछे भी बहुत साल पहले 1995 इत्थे बाढ़ आई सी, नेड़े नाला है, बहुत पानी आ गया सी उत्थे, ते कोई ट्रक बह गया सी, ते तीन बंदे विच फसे सी, साढ़े गुरु जी की तबीयत भी खराब सी, तां भी राती 12-1 बजे उन्होंने रस्सा पा के खुद थले उतर के उन्होंने बचाया सी, ते प्रशासन वालों गोल्ड मैडल भी मिलिया। ते और भी गुरु जी का जिन्ना साढ़े कोल हो सकता है, जगह है, पानी है, बिजली, मोटर, जो असी असी कौन है करने वाले परमात्मा ही हैं, असी निमित मात्री हाँ, ते सब वास्ते बुआ खुलिया है सवेर दा। किसान भी आते ने कई आके, मोर्चा पूरा होने के बाद भी कई बार मिलन आते ने बाबा जी नू कि असी लंघ रहे सी, सोचा मिलना जाइए, तो यह प्रेम है, स्नेह है,
धार्मिक संबंध है, सब धर्म बंधु ने, संप्रदाय वक्रे हो सकते ने, पर आपस सब चंगे पासे चल रहे ने, सब नु चंगी शिक्षा है, संस्कार है, ते असी यही आशा करते हैं कि है जगह का कुछ नहीं, जगह का कुछ नहीं घिसना, पानी का कुछ नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बस से दरवाजे खुले ने, आते रहन, जगह नु वरत रहे, पानी वरत रहे, कोई सेवा है साड़ी तरफों परमात्मा दी तरफों। महात्मा जी, तुसी जिक्र किया कि क्योंकि ये बॉर्डर है, बहुत सारे प्रोटेस्ट लगते ने, आर्मी ऑफिशियल्स भी आते ने, कि इस मंदिर दे दरवाजे हर धर्म लिए खुले ने, कोई भी धर्म दे लोग आ सकते ने। जी जी जी, कोई धर्म नहीं देखते दे, ऐसी कोई भेदभाव नहीं है, कोई किसी तरह का कि स्त्री है पुरुष है या की है बच्चे ने बुढ़े ने, कोई भी आंदा है, बस ऐसी है कि वो आए महात्मा जी है थोड़ा जा पानी चाहिए पीना, चले जाओ टॉयलेट यूज कर लिए कर लो, बह जाइए इतने बह जाइए, थोड़ी देर लेट ना लेट जाओ, ते असी बस अपनी तरफों जो हो सकता है, जिन्नी साड़ी क्षमता है शक्ति है असी उन्ना उन्ना नू सहयोग करते हैं कि कोई नहीं, जो साढ़े को लेडीज भी आते हैं कई बार, बाहर बहुत ठंड है, कई बीबी जी बाहर थोड़ी जी प्रॉब्लम होंगी है लेडीज नू टॉयलेट दी, ते अंदर आए सी असी क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, ते राती तक पिछे उन्ना वास्ते वखरा है लेडीज विभाग, ते वो यूज करते हैं इतने जेंट्स वगैरह आके कपड़े धोने, नहीं रुकन ना जे उन्हां कोल ही व्यवस्था, साडे कोल शुरू च कोई आए सी एक फैमिली सी, लेडीज बच्चे बुजुर्ग सी, 8-10 लोग सी एमपी तो, ते उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, ते असी पिछे उन्हां नूं जगह दित्ती सी, ते वो हफ्ता 10 दिन रहे सी इत्थे, ते हुण अगे किथे गए ने, मतलब पिछे हॉल है जे कोई अपना बिस्तर ला के रुकना चाहता है परमिशन दे देने। महात्मा जी, गुरुद्वारा साहब दे विच सारिया जे देखे है कि गुरु का लंगर चलता है, इत्थे भी इन्हां लंगर लाया, मंदिर वालों भी कोई ऐदां दी व्यवस्था की गई है कि जिस जिथे किसी ने कोई खान दा कुछ ना ही होवे लेकिन वो रुकना चाहते ने खाना खवाए? साडा बेसिकली धर्मशाला या मंदिर नहीं, साडा ना आश्रम की तरह पद्धत नाल चलता है, ते असी भिक्षुक लोग हां, महात्मा लोग, ते सानू किसी ना किसी घर दी असी 10-15 लोग, सानू भिक्षा आंदी, टिफन आंदा, भिक्षा आंदी है जिन्हें असी बंदे उन्हां, बाकी वैसे जब कोई समागम या कार्यक्रम होंदा है तो खुला लंगर चलता है, बाकी इस तरह नहीं है, कोई एमरजेंसी पैंदी है, कई बार पुलिस वाले ड्यूटी दे ने सर्दी विच, ते उन्होंने कहता इन्ने बंदे ने चाह पानी दी है, व्यवस्था तो कर दें एमरजेंसी, बाकी रेगुलर असी उस तरह रेगुलर लंगर नहीं चलता जिससे बाकी जगह चलता है, तो कोई समागम कार्यक्रम है तो लंगर चलता है खुला, वो सब वास्ते ही होंगे। इन्ना पुराना मंदिर है, हुण तक तुसी बहुत ऐदां दी धार्मिक सांझ दे होर भी केस देखे होणगे कि मंदिर वल्लों बहुत हैल्प किया गया इस तरह ना, की मैसेज है तुहानू बाकी लोकां नू, बाकी संस्थानां नू, बाकी मंदिरां नू, कुछ मैसेज देना चाहो? यही है कि सब असी साडे च कहा जांदा है अचूत गुरोत्री, मतलब सारे इक्को ही असी परमात्मा दे हां, ते किसी दी थां ते जाके कोई गुरुद्वारे वाले हैं असी जाइए, कोई कम है या ओ आण या और भी कोई संप्रदाय ने कई, वो किसी थां ते जाण ते कोई मजबूरी च जांदा है, कोई ना कोई किसी का कोई कारण होंदा, ते वो सामने वाले तो असी यही आशा करते हैं कि वो परमात्मा दा समझ के, उनू गुरुआ दा समझ के, जो उस तो हो सके उस समय परिस्थिति दे हिसाब नाल, शक्ति दे हिसाब नाल, जिन्नी उन्हां दी क्षमता है, ते सहयोग जरूर करना चाहिए, ए इंसानियत दा ही एक पार्ट है, धर्म तो पहले इंसानियत है, धर्म है, किसी भी नजरिए तो देख लो तो सहयोग या हेल्प कह लो या कुछ भी कह लो करना चाहिए, कोई दूजे की तरफ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੁਛ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਜੋ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਸੰਪਰਦਾਇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੱਧਤ ਵੱਖਰੀ, ਪਰ ਸਭ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਸਭ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਨੇਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਦ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਪੜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਮਦਦ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ। ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੀ ਮੰਦਰ ਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੇਗਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੋ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਰਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਖਾ ਧੂਰੀਆ ਵਿੱਚ ਔਨ ਏਅਰ ਮੋਹਾਲੀ।